क्या हाल है भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। और हो क्या रहा है, क्या 10K जा रहे हैं हम लोग आज? $10,000 जा रहे हैं हम लोग? लेट मी नो इन द चैट गाइस, चैट में बताओ कि क्या लगता है आपको, हम लोग 10,000 क्रॉस कर रहे हैं क्या? मे बी आज कल मॉर्निंग तक या परसों ये हफ्ते में हम लोग 10,000 क्रॉस कर रहे हैं क्या? दैट्स द क्वेश्चन, बिकॉज रियली बिटकॉइन का प्राइस बढ़ते गया है पिछले 2 से 3 दिन में। हम लोग ने एक सोचा था कि रिवर्सल लेगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, बहुत स्ट्रांग लग रहा है। एंड ना सिर्फ बिटकॉइन, आई मीन दिस इज सो इम्पॉर्टेंट गाइज, आई मीन मैं बताऊँ यहाँ पे हम लोग मैंने इनफैक्ट आज ट्वीट किया था कि बिटकॉइन बहुत जल्दी 5 figure रीच होने वाला है। 5 figure, ओके, 5 figure मतलब $10,000 के ऊपर। और आप सोचो, आई मीन एक दिन शायद ऐसा आएगा जब लोग बोलेंगे कि मैंने बिटकॉइन 4 figure में बाय किया था, 4 figure जो आज है। एंड आई एम श्योर ऐसे काफ़ी लोग हैं जो आज बोलते हैं हमने बिटकॉइन 3 figures में बाय किया था। 3 figures क्या हो गया? $100। एंड आपको पता है कि वो 3 figures कितना ज़माना हो गया 3 figures को? आई थिंक 2014 में लास्ट था 3 figures, या 2014 या आई थिंक 15 में भी था। सो यस, नो, 2016 में भी 3 figures था। आई रिमेंबर $500, $600 था 3 figures में, करेक्ट। एंड देन उसके बाद 4 figures आया और बहुत जल्दी भी 5 figures आ रहा है। एंड यू नो, जो लोग भी 4 figures में बाय कर रहे हैं वो बोलेंगे लकी है। सो यस, बहुत बुलिश मार्केट है। एंड ऑफकोर्स ऑल्ट कॉइन्स भी बहुत ज़्यादा पंप हो रहे हैं। सो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन अगर आप ट्रेड कर रहे हो, एंड आई एम श्योर काफ़ी लोग खुश हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे चैट में भी आए हैं। सो आपको पता है जब बुल मार्केट रहता है तो सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं और नए लोग भी आते हैं। तो आई एम श्योर ये जो बुल मार्केट है इसमें नए लोगों की बहुत ज़्यादा एंट्री होगी, सिंपल सी बात है। बहुत सारे नए लोग आ रहे हैं और ये बुल मार्केट में बाई कर रहे हैं। सो यस, आई मीन काफ़ी लोग हैं। दीपक, लेट्स सी, दीपक इज़ हियर। हाई एवरी वन, हाई दीपक, गुड टू सी यू। BTC ऑन द वे टू द मून, एब्सोल्यूटली पूरा बुल मार्केट आ गया यहाँ पे। एक सतोशी की कीमत तुम क्या जानो शिव भैया, एग्जैक्टली ये मेरा सुपर हो गया है, मेरा एकदम यू नो, एक्चुअली मैं दिल से बोलता हूँ एक सतोशी कीमत तुम क्या जानो, ये मैं एक्चुअली दिल से बोलता हूँ। मुझे एक्चुअली सच्ची में लगता है कि ऐसा होने वाला है। मैं आपको इनफैक्ट आज के वीडियो में मैं 2-3 एग्जाम्पल दूंगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइटनिंग नेटवर्क, यू नो, कैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, फॉर एग्जाम्पल आप और मैं, रिटेल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो टोकन्स में इन्वेस्ट करते हैं, कॉइन्स में इन्वेस्ट करते हैं, बट जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो प्रोटोकॉल्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो उनका इन्वेस्टमेंट कुछ अलग टाइप का है, बट इन्वेस्टमेंट सब लोग कर रहे हैं, बड़े लोग भी कर रहे हैं, छोटे लोग भी कर रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर भी, सब लोग कर रहे हैं। तो हम लोग आज लाइटनिंग नेटवर्क के बारे में बात करेंगे, क्योंकि लाइटनिंग नेटवर्क एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी लोग नहीं समझते हैं, और मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यू नो, काफ़ी लोगों के मुँह से आपने सुना होगा कि बिटकॉइन स्लो है, फेल हो जाएगा, ओल्ड टेक्नोलॉजी है, बट रियली मैं आप लोगों को आज ये चार्ट दिखाऊंगा, आज आप लोगों को बताऊंगा कि कितना लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं बिटकॉइन को, कितना लोग गलत समझते हैं बिटकॉइन को। और यस, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेट मी नो मेरी आवाज़ आप लोगों को ठीक से आ रही है। यू नो, आप एक बंदा क्या किया आपको बताओ, मैं ये चैट और ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये आज ही की बात है। ये देखो, ये वाला ट्वीट देखो, आई सोल्ड ऑल माय कार्स, वॉचेस, रियल स्टेट, आई क्लोज्ड ऑल माय बैंक अकाउंट, आई एम ऑल इन लिटरली बिटकॉइन। सो इसने कार सोल्ड किया, वॉचेस कर दिया, रियल स्टेट, यू नो, 2017 अगर आप थे 2017 में, तो मुझे बहुत सारे स्टोरीज़ याद हैं। 2017 में काफ़ी ऐसे स्टोरीज़ आते थे कि US में किसने अपना यू नो कार में रह रहा है, कोई यू नो रेंट पे दे दिया है, एंड बहुत कुछ क्रेजी थिंग गाइस, क्रेजी थिंग। सो आप सोचो, मैं बेसिकली आपको रिलेट करवा रहा हूँ कि 2017 और 2020 के जनवरी से मैं रिलेट करवा रहा हूँ। तो जब बुल मार्केट आता है तो लोग ऐसा ही कुछ हरकत करते हैं, बट मैं आपको बताऊँ, ये एकदम मे बी इसके लिए सही भी हो सकता है, बट ये एडवाइजेबल नहीं है, ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए। बिटकॉइन का आई मीन काफ़ी लोग ने लोन भी लिया था 2017 में, राइट, क्रेजी लोग लोन लेके बिटकॉइन ले रहे थे। तो ऐसी कोई गलती करनी नहीं चाहिए सबसे पहली बात। और इसी को बोलते हैं फोमो। जब बुल मार्केट आता है ना तो लोग फोमो करने लगते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, और ऐसे स्टेप्स लेते हैं। ऑफ कोर्स ये कितना रिस्की है, आप सोच सकते हो ये कितना रिस्की है, राइट, किसी को नहीं पता कि बिटकॉइन का प्राइस क्या होगा, कब गिरेगा, क्या होगा। सो ये सब चीज़ें बहुत रिस्की है, तो ये सब बताने के लिए, सुनने के लिए अच्छी लगती हैं। एंड आपको नहीं पता कि एक्चुअली इसने सच किया है या नहीं किया है या सिर्फ ट्वीट है,
तो मैं तो यही कहूंगा कि ऐसे आप कुछ डिसीजन ना ले ऐसे बुल मार्केट में जो आपको यू नो इनसेंसिटिव हो, जो जो आउट ऑफ माइंड हो, ऐसे डिसीजन कभी आपको नहीं लेने चाहिए बुल मार्केट में। तो वो गलती तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि वो गलती बाकी बहुत लोग 2017 में कर चुके हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, आई मीन लालच एंड एंड वॉट नॉट। सो यस, थैंक यू सो मच। लेट मी सी, लेट मी नो। एंड ऑफकोर्स गाइस, आपको पता है ये कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। क्रिप्टो करेंसीज बहुत ही रिस्की है, और स्पेशली अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो बहुत सोच समझ के करो। मार्केट कभी भी रिवर्स ले सकता है, और बहुत सोच समझ के करो। और पूरा ट्रेड कभी भी मत डालो, एक हमेशा एक पोर्शन हमेशा होडल के लिए रहना चाहिए। एक छोटा पोर्शन आप जो ट्रेड करने के लिए कर सकते हो मार्केट के साथ खेलने के लिए, बट पूरे अमाउंट के साथ कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। मार्केट का कुछ भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है मार्केट के साथ। दूसरा चीज़, ऑनलाइन स्कैमर्स बहुत हैं टेलीग्राम पे। जो नए लोग आ रहे हैं बुल मार्केट में, आपका स्वागत है अगर आप नए लोग आए हो तो। एंड प्लीज़ बी केयरफुल, टेलीग्राम पे बहुत सारे स्कैमर्स हैं जो आपको मेरी फोटो लगा के आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, आपका पासवर्ड लेने की कोशिश करेंगे, आपका बिटकॉइन चुराने की कोशिश करेंगे। एंड यस, उनसे बच के रहो, संभाल के रहो। लेट मी सी चैट में क्या हो रहा है, और शेयर कर दो गाइस, शेयर कर दो ये जो लाइव है, शेयर कर दो अपने ग्रुप में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन कर सकें। मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि YouTube नोटिफिकेशन नहीं भेजता है, YouTube नोटिफिकेशन नहीं भेजता है सबको। सो यस, बेल बटन दबा देना और सब्सक्राइब सो कर ही देना। हाउ डू यू रियली थिंक दैट यू हैव डन योर ड्यू डिलीजेंस और रिसर्च इन विपुल? एब्सोल्युटली यार, आई मीन लेट्स नॉट गेट इनटू दिस राइट नाउ। मैंने काफ़ी रिसर्च किया है, बट यस वो अलग की टॉपिक है। सो एनी वे गाइस, लेट्स टॉक अबाउट दिस पम्प फर्स्ट। सो बिट एक मिनट, नाम 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 मेरे को देखना है सब लोग कौन कौन है यहाँ पे। सो नवाज, हाई वेलकम बॉस, टेक्नो स्टार्टअप्स, हुसैन, महमूब, आप ट्रेडिंग कर? यार होडलिंग मैंने बताया था, तो हुसैन एक ही क्वेश्चन आप पूछते हो यार, मोस्टली होडलिंग। रंजीत हाई, विजयकांत, भरत, प्लीज मैसेज मी, आई हैव सोल्ड 500 WIs, नाउ आई हैव 5000। बट तो आप वीडियो देखो भरत, मैंने वजीर एक्स के जो CEO है निश्चल जी के साथ यू नो आप एक इंटरव्यू किया था, और उस इंटरव्यू में इन्होंने क्लियरली बताया है कि आपके पास कितना एक्चुअली WRX आप तुरंत ट्रेड कर पाओगे और कितना आप ट्रेड तुरंत नहीं कर पाओगे, वो धीरे धीरे ओवर द टाइम रिलीज होगा। तो आप वीडियो देखो, चैनल पे है, हिंदी में वीडियो है, कुछ 28 मिनट्स का वीडियो है, आप वो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। हाई शूटिंग अलुमुद्दीन, बाय द वे WRX का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था बाइनांस पे, राइट? सो यस, कॉन्ग्रेचुलेशन अगर आपने ट्रेड किया है तो। समीर, वजीर एक्स अनस्टॉपेबल, एब्सोल्युटली। लखविंदर, प्राइस कितना जा सकता है? अभी तो पंप में चल रहा है, एंड फ्यूचर का कुछ बता नहीं सकते यार। शेख संतोष, मार्केट इज गोइंग ग्रीन, एब्सोल्युटली, गो अप टू $15 इन फ्यूज डेज। संतोष, टू बी ऑनेस्ट आई थिंक इतना पॉसिबिलिटीज तो नहीं हो सकता, मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस है $15, बट यू नेवर नो यार। यस, हर हर क्रिप्टो, घर घर क्रिप्टो। प्रवीण रोमे, तुम क्या जानो यूएस की कीमत? रमेश बाबू सही है, या सतोशी कीमत यूएस की? गाइस आई मीन काफ़ी खुशी का माहौल है, आप देख सकते हो एक सतोशी कीमत। सो एब्सोल्युटली कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं भी खुश हूँ आप लोगों के साथ साथ। एंड लेट्स सी मार्केट में क्या हो रहा है। सो बिटकॉइन आप देख ही रहे हो, ऑल्ट कॉइन्स भी काफ़ी पंच। यस, इथेरियम यस्टरडे यू नो जब मतलब लाइव खत्म होने के पहले कुछ $198 था, और मैं सोच रहा था कि यार $2 और चला जाए, $2 और चला, $200, नहीं हुआ। बट आज देखो $2,213 पे आ गया है। एंड दूसरे भी पंप हो रहे हैं यहाँ पे, XRP भी पंप हुआ है, ज़्यादा नहीं 1% पंप हुआ है, 13% प्रॉन पंप हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशन 13%। और क्या पंप हुआ है यहाँ पे, 11% क्या पंप हुआ है, रेवन कॉइन पंप हो रहा है 9%। सो यस, ऑल्ट कॉइन्स भी काफ़ी पंप हो रहे हैं। सो अगर आपके पास ऑल्ट कॉइन्स है, आपका ऑल्ट कॉइन्स पंप हुआ, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। नाउ दिस इज ह्यूज गाइस। नाउ माइकल नोवोग्रैड्स, आपको पता है माइकल नोवोग्रैड्स क्या है? ये गैलेक्सी डिजिटल एसेट्स कंपनी है जो बेसिकली क्रिप्टोज में इन्वेस्टमेंट्स करती है, और गैलेक्सी डिजिटल साइट के साइट पे जाओगे तो इन्होंने पोर्टफोलियो भी रखा है कि बिटकॉइन में कितना परसेंटेज है, इथेरियम में कितना परसेंटेज है, XRP में कितना परसेंटेज है। सो गैलेक्सी डिजिटल नाम है, आप गूगल कर लेना। तो उसका CEO है, उसका फाउंडर या CEO जो भी, माइकल नोवोग्रैड्स। अभी ये बंदा तो एकदम बुलिश है। क्रिप्टो इज बैड पीरियड, हियरिंग मोर एंड मोर इंक्वायरी, ऑलवेज डेंजरस, बट हायर प्राइसेज आर मेकिंग मी मोर बुलिश। सोचो, आई मीन दिस गाय इज ऐसे ट्वीट, टू बी ऑनेस्ट मुझे कभी समझ में नहीं आता कि ऐसे ट्वीट
कैसे कर सकते हैं, बट क्योंकि इनकी इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनकी जो पोस्ट है ये काफ़ी बड़ी है, बट फिर भी ये पोस्ट करना देखो, बट हायर प्राइसेस आर मेकिंग मी मोर बुलिश. ETH over 200 for a couple of days will open a bigger move. BTC has 10K looming. तो ये बंदा बोल रहा है बिटकॉइन 10K आने वाला है. Once that goes, we are off to the races. तो बेसिकली ये बंदा बोल रहा है कि अगर 10K 10,000 बिटकॉइन क्रॉस होता है इन केस, तो हम लोग एक ह्यूज बुल रन की तरफ जा सकते हैं. ओके, सो अगेन बहुत सारा इफ है बट है, जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं वो आप खुद समझदार हो, ये सब प्रेडिक्शंस हैं. बट यस, ये बंदा ये बोल रहा है. दूसरा चीज़ ये, सो ब्लूमबर्ग क्रिप्टो, आई थिंक प्रवीण ने मुझे ट्वीट पे ये किया था आज, शाउट आउट टू पवन आई गेस, पी कुमार, शाउट आउट टू पी कुमार, तो इन्होंने मुझे टैग किया एक ब्लूमबर्ग क्रिप्टो में. सो बिटकॉइन इज पॉइज्ड टू कंटिन्यू इट्स रैली टू रेंज ऑफ $10,000 टू $11,000 based on previous recoveries according to a technical strategist. Now, ये technical strategist कौन है पता आपको? Yesterday हम लोग बात कर रहे थे वाले में fund strat company की, जो market research करती है stock market में, crypto market में reports बनाते हैं performances के ऊपर, कौन सा stock कैसे करेगा, कौन सा crypto कैसे perform कर सकता है, तो वही company का बंदा है, fund strat company का बंदा है. और ये क्या predict कर रहा है, वो बोल रहा है कि अगर हम लोग, ये बोल रहा है कि हम लोग 10 to 11,000 के रेंज में हम लोग जाने वाले हैं, ऐसा बोल रहा है. तो यू नो, अगर इनकी माने तो 11,000-10,000 के बीच में जा सकते हैं. तो ऑफकोर्स पॉसिबल है, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, 11,000 इज़ नॉट इम्पॉसिबल. अगर एक महीने में आराम से $3,000 जा सकता है तो इट्स क्वाइट पॉसिबल. बट अगेन एट द सेम टाइम मैं आपको वार्न करना चाहूँगा कि रिवर्स भी हो सकता है, तो आप तैयार रहना. भले यहाँ पे 11,000 की प्रेडिक्शंस है बट रिवर्स कभी भी हो सकता है, तो अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो बी केयरफुल. ये सब प्रेडिक्शंस हैं, सुनने में अच्छा लगता है बट एनीथिंग कैन हैपन. ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज. एंड दूसरी चीज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था वही है जो मैंने ट्वीट किया था आज, कि बिटकॉइन अप्रोचिंग 5 figures, राइट? तो आप सोचो, आई मीन एक बार $10,000 चला जाता है और $10,000 के ऊपर स्टे रहता है, आपको लगता है कि कितने लोग एक्चुअली बिटकॉइन कि एक्चुअली सोचेंगे भी, एक बिटकॉइन की सोचेंगे? क्योंकि ऑब्वियसली दिन पे दिन, साल पे साल बिटकॉइन महंगा होते जा रहा है, राइट? सो रिटेल इन्वेस्टर्स तो ऑब्वियसली उनको 5 figures में बाय करना पड़ेगा. तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो लोग 4 figures में बाय कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं लकी हैं. तो मुझे तो लगता है कि एनीथिंग अगर 4 figures में बिटकॉइन है सो इट्स चीप, सस्ता है. 4 figures सस्ता है मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है. क्योंकि एक टाइम आएगा कि 4 figures में नहीं मिलेगा, 3 figures में अभी बिटकॉइन नहीं मिलता है, $100 मिलता ही नहीं है. ओके, सो लेट्स सी चैट में क्या हो रहा है, एक मिनट. DeFi कैन बी वन ऑफ द रीजन टू चेंज होल थिंग इन क्रिप्टो एंड इन ट्रेडिशनल. DeFi इज अ ह्यूज कैटलिस्ट. DeFi इतना बड़ा इंपैक्ट गिराएगा ना सिर्फ बिटकॉइन के प्राइस पे, ना सिर्फ इथेरियम के प्राइस पे, बट ऑल्सो बिटकॉइन के प्राइस पे, क्योंकि बिटकॉइन और डीफाई भी एक्चुअली रिलेटेड है. भले ऑफकोर्स दोनों का कोई संबंध नहीं है, बट जो डीफाई जो यू नो बिलीफ्स लाएगा लोगों में, जो जो चीज़ें इतनी आसान कर देगा कि उससे बिटकॉइन के प्राइसेस पे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है. सो यस गाइस, लेट मी नो आपको क्या लगता है, 10,000 क्रॉस कर रहा है क्या मॉर्निंग में, चैट में बताना. अगर बाद में देख रहे हो तो कमेंट में बताना. और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये वाला, तो फॉर एग्जांपल यू नो, तो एक कंपनी है जिसका नाम है इसका नाम क्या है, क्राफ्ट वेंचर्स. ओके, सो क्राफ्ट वेंचर्स एक VC कंपनी है जो स्टार्टअप्स में लोग इन्वेस्ट करते हैं, बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं. जैसे आप लोग टोकन्स बाय करते हैं वैसे ये लोग बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं. तो क्राफ्ट वेंचर्स ने अबाउट $10 million, ओके, सो $10 million इन्वेस्टमेंट किया है किसमें, लाइटनिंग लैब्स में. सो लाइटनिंग लैब्स क्या है, सो लाइटनिंग लैब्स आपको पता है कि लाइटनिंग लैब्स जो है इन लोग सेकेंड लेयर सॉल्यूशंस बना रहे हैं. तो फॉर एग्जांपल अभी भी अगर आप बिटकॉइन अगर आप सेंड करते हो एक्सचेंजेस से किसी वॉलेट पे, या वॉलेट से एक्सचेंजेस पे सेंड करते हो या किसी को भी सेंड करते हो, तो टाइम लगता है ना, आराम से 2-3 मिनट तो आपको वेट करना ही पड़ता है, और ऊपर से फीस भी ज़्यादा होती है, राइट? आप सोचो
अगर बिटकॉइन के ट्रांजेक्शन्स के लिए इतना ही वेट करना पड़ेगा तो लोग एज ए पेमेंट तो कभी यूज़ ही नहीं करेंगे। ओके, तो कभी लोग, क्योंकि आप कॉफ़ी लेने जा रहे हो या फिर कुछ सामान लेने जा रहे हो, तो आप 5-5 मिनट वेट नहीं करोगे कि 6 कॉन्फर्मेशन होने के बाद ही सामान देगा, तो ये तो इम्पॉसिबल है, राइट? सो इसके लिए सोल्यूशन बन रहा है जिसको बोलते हैं लाइटनिंग नेटवर्क। सो लाइटनिंग नेटवर्क से क्या होगा कि पेमेंट्स जो भी बिटकॉइन से होंगे बहुत फास्ट होंगी, राइट? सो इन्होंने $10 मिलियन इन्वेस्टमेंट किया है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे कि ये वाला डायग्राम, राइट? सो ये वाला डायग्राम में बेसिकली मैंने क्या किया है, तो काफ़ी लोग इसकी कंप्लेन करते हैं। किसकी कंप्लेन करते हैं? बिटकॉइन की कंप्लेन करते हैं, बोलते हैं कि ये बहुत स्लो है और ये काम नहीं करेगा, ये फेल हो जाएगा, एज अ पेमेंट यूज़ नहीं कर सकते। एंड ऑफकोर्स एक बड़ा सवाल ये भी है कि कितने लोग एज अ पेमेंट यूज़ करना चाहते हैं। कोई बिटकॉइन एज अ पेमेंट यूज़ नहीं करना चाहता, सब लोग एज एन इन्वेस्टमेंट यूज़ करना चाहते हैं, बिकॉज बिटकॉइन लिमिटेड क्वांटिटी है, प्राइसेस बढ़ रहा है, तो कोई स्पेंड करना नहीं चाहता। बट जस्ट इन केस अगर किसी को स्पेंड करना है तो कैसे स्पेंड करें, क्योंकि उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, ट्रांजेक्शन स्लो है, राइट? तो सब लोग बोलते हैं कि ये फेल हो जाएगा, राइट? और मेरा मानना बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल फेल नहीं हो सकता, क्योंकि उसका सॉल्यूशंस ऑलरेडी बन रहा है जिसको बोलते हैं लाइटनिंग नेटवर्क, जो ठीक है, सेकंड लेयर सॉल्यूशंस। नाउ तो लोग, इनफैक्ट मैंने ट्वीट किया था आज कि लोग बिटकॉइन को वीज़ा से कंपेयर करते हैं। तो आप लोगों ने लोगों को सुना होगा बोलते हुए, ये बोलते हैं कि यार वीज़ा इतना फास्ट है, देखो कितना फटाक से ट्रांजेक्शन हो जाता है वीज़ा का, तो बिटकॉइन कौन यूज़ करेगा, बिटकॉइन तो इतना स्लो है। तो सबसे पहली बात फंडामेंटल वहीं पे गलत है, क्योंकि वीज़ा कोई मनी नहीं है, वीज़ा कोई टोकन नहीं है, वीज़ा एक सर्विस प्रोवाइडर है, वीज़ा एक सर्विस प्रोवाइडर है, और मनी क्या है? फिएट मनी है। सो फिएट वीज़ा जो है सेकेंड लेयर सॉल्यूशंस है, ओके? सो आप बिटकॉइन और वीज़ा को तो कंपेयर ही नहीं कर सकते कि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आपको वीज़ा को कंपेयर करना है तो आप लाइटनिंग से कंपेयर करो, क्योंकि दोनों भी, वीज़ा भी और लाइटनिंग नेटवर्क भी, दोनों भी सेकेंड लेयर सॉल्यूशन है। डिफरेंस ये है कि वीज़ा जो है किसको हेल्प करता है? फिएट मनी को। जितने भी दुनिया में फिएट मनी है, ओके, तो ये फिएट मनी का डायग्राम है, सॉरी पिक्चर है, चाहे वो फिएट मनी चाइनीज़ हो, जापनीज़ हो, इंडियन हो, US डॉलर हो, यूरो हो, जो भी फिएट मनी है, राइट? सबका सर्विस प्रोवाइडर कौन है? वीज़ा। क्यों? आपके पास वीज़ा कार्ड है तो आप कंट्रीज में स्वाइप कर देते हो कि भाई ये लो वीज़ा कार्ड, स्वाइप। बट सबका सर्विस प्रोवाइडर कौन है? वीज़ा है। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने ये डायग्राम में ये बताने की कोशिश किया है कि जो फिएट मनी है उसके लिए वीज़ा के बिना फिएट मनी चल ही नहीं सकता। अदरवाइज आप फिएट मनी कैसे ट्रांजैक्ट करोगे? खाली कैश में ही ट्रांजैक्शन हो सकता है, अदरवाइज तो हो नहीं सकता। ऑनलाइन तो फिएट मनी से हो ही नहीं सकता अगर वीज़ा जैसी सर्विसेज ना हो, और जो भी और भी हैं, फॉर एग्जांपल पेटीएम हो गया या फिर अलग अलग कंपनीज, राइट? अदरवाइज फिएट का कैसे आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करोगे? नहीं कर सकते हो, सिर्फ फिजिकल होगा। सो यहाँ पे मैंने बेसिकली ये बताने की कोशिश किया है कि बिटकॉइन एज अ पेमेंट भी यूज़ हो सकता है, जिसका ऑलरेडी सॉल्यूशंस बन रहा है लाइटनिंग नेटवर्क, और एज अ गोल्ड भी यूज़ हो सकता है, क्योंकि जिसको ऑन चेन ट्रांजेक्शन करना है बिटकॉइन, जो वेट कर सकता है, जिसके पास ज़्यादा बिटकॉइन ट्रांसफ़र करना है, वॉल्यूम ज़्यादा है, वैल्यू ज़्यादा है, तो शायद ऑफलाइन नहीं जाए क्योंकि उसको ट्रस्ट नहीं है, तो ऑन चेन ट्रांजेक्शन करेगा, जिसकी आई एम श्योर वो फीस देने के लिए तैयार है अगर $1 मिलियन का बिटकॉइन ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो दोनों के लोगों के पास ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि लोगों को लाइटनिंग नेटवर्क ही यूज़ करना है, बट लाइटनिंग नेटवर्क का एक ऑप्शन दिया हुआ है कि बस अगर आपको फास्ट और चीप ट्रांजेक्शन चाहिए तो आप लाइटनिंग नेटवर्क यूज़ करो, और आपके पास वॉल्यूम ज़्यादा है, आप नहीं ट्रस्ट करना चाहते हो, तो आप सीधा बिटकॉइन के ऑन चेन पे ट्रांजेक्शन करो। तो ये इतना ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन और कहाँ मिलेगा आपको? गोल्ड में भी ऑप्शन नहीं है, कहीं ऑप्शन नहीं है। तो मुझे पर्सनली ये मुझे बहुत पसंद आया, ये पास आपके पास ऑप्शंस हैं, आप चूज़ करो आपको कौन से टाइप से ट्रांजेक्शन करना है, आपको ऑन चेन ट्रांजेक्शन करना है या ऑप्शन ट्रांजेक्शन करना है, दोनों में विन विन है। तो ये आई थिंक ये मेरे को ये कवर करना बहुत ज़रूरी था कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई आपको पूछे कि बिटकॉइन बहुत स्लो है, ये सक्सेसफुल नहीं होगा, फेल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर है कि बॉस लाइटनिंग नेटवर्क ऑलरेडी रेडी है और ये ऑलरेडी काम करता है और लोग लाइटनिंग नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं, राइट? सो ये मेरा पर्पस था बताने के लिए। और फिर आप ये भी बता सकते हो, अगर कोई बता रहे ये भी रहा है कि वीज़ा से कोई कंपेयर कर रहा है, तो आपके पास आंसर है कि बस वीज़ा इज़ अ सेकेंड लेयर सॉल्यूशंस, वीज़ा फर्स्ट लेयर सॉल्यूशंस नहीं है,
राइट. सो आई होप इट मेक्स सेंस गाइस. लेट मी नो चैट में बताना, कमेंट में बताना कि ये कैसा लगा आपको ये एनालॉजी, क्योंकि ये मेरे को एनालॉजी बहुत सिंपल सी लगी और बहुत अच्छी लगी मुझे. एनी वे, नेक्स्ट चीज देखते हैं क्या है. नेक्स्ट चीज नेक्स्ट चीज ये है, सेंट्रल बैंक्स, बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो मीटिंग कर रहे हैं. ओके, बैंक ऑफ जापान, यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स एंड स्विट्जरलैंड बैंक. सो यहां पे आप देख सकते हो यूके. ओके, वन सेकेंड, द गवर्नर्स ऑफ ईसीबी सेंट्रल बैंक्स इन द यूके, कैनेडा, जापान, स्वीडन, स्विट्जरलैंड विल डिस्कस कंडक्टिंग ज्वाइंट रिसर्च इन टू द पॉसिबल फ्यूचर इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल करेंसीज. तो जो सिक्स मेजर सेंट्रल बैंक्स, तो आपको नाम पता चला गया है यहाँ पे, छह मेजर सेंट्रल बैंक्स आपको नाम बता दूं, बैंक ऑफ जापान फिर से, यूरोपियन सेंट्रल बैंक और ये स्विट्जरलैंड, कनाडा, ये सब, राइट. सो छह मेजर सेंट्रल बैंक्स, इन लोग की मीटिंग है बहुत जल्दी, ये लोग मीटिंग कर रहे हैं और दे विल बी डिस्कसिंग कि सेंट्रल जो सीबीडीसीज का उनका क्या फ्यूचर है. तो ऑलरेडी ये लोग प्लान कर रहे हैं सीबीडीसीज का. नाउ ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है. सो सोचो अगर सारे बैंक्स ऑलरेडी अपनी खुद की सीबीडीसीज यूज़ करेंगे तो उनको वीज़ा की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि सीबीडीसीज इंस्टेंटली ट्रांसफ़र हो सकता है, वो क्रिप्टो की तरह ही होता है, राइट. सो ऑनलाइन तुरंत ट्रांसफ़र हो सकता है, तो वहाँ पे तो वीज़ा की ज़रूरत ही. तो मुझे लगता है ओवरऑल वीज़ा का बिजनेस एब्सोल्युटली मेरे को लगता है खतरे में है. मे बी अगले 2 साल में, अगले 3 साल में, अगले 5 साल में अपने को मालूम पड़ेगा कि वीज़ा का फ्यूचर क्या है. क्योंकि अगर ऐसा होता है कि सेंट्रल बैंक सीबीडीसी लॉन्च करती हैं और दूसरी तरह से बिटकॉइन, ईथर और ये क्रिप्टोज भी ऑपरेट करती हैं, तो फिर वीज़ा कहाँ पे काम आएगा, वीज़ा का क्या फ्यूचर होगा. और ये पहली बार नहीं हुआ है, बहुत सारी कंपनीज जो हैं टाइम के साथ ऑब्सोलीट हो जाती हैं, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आती है, नए नए प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो जो पुरानी चीज़ें हैं वो ऑब्सोलीट हो जाती है. आपको पता है नोकिया फ़ोन एक बार टाइम आ गया था, कोई यूज़ नहीं कर रहा था. और यू नो ये कैमरा, कौन सा कैमरा है, कोडैक कैमरा, राइट. कोडैक कैमरा कितना पॉपुलर था, कितना डिमांड था कैमरा का, आज कोई कैमरा खरीदता नहीं, सबके फ़ोन में कैमरा है. सो बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सारे सीडीज़ कौन यूज़ करता है, कोई से, यू नो मोजेबर कौन सा सीडीज़ था, राइट. मोजेबर करके सीडीज़ कंपनी था, राइट. बहुत सस्ते में सीडीज़ बेचते थे मोजेबर करके, बट दे नॉट इन द बिजनेस एनी मोर बिकॉज कोई सीरीज ले ही नहीं रहा. तो ये आपको जानना जरूरी है कि टाइम के साथ बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे प्रोडक्ट्स चले जाते हैं. एंड क्रिप्टो एक ऐसी चीज़ आई है कि क्रिप्टो बहुत सारे बिजनेसेस को ये ऑब्सोलीट कर देगी. बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस जहाँ पे इंटरमीडियरीज होता है, जहाँ पे ब्रोकर्स लगते हैं, जहाँ पे मे बी आई मीन सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो बैंक्स ही हैं, क्योंकि बैंक का काम तो अभी क्रिप्टो ही कर रहा है मोस्टली. तो आप सोचो कि कितना क्रिप्टो बहुत सारे इंटरमीडियरीज को निकाल देगा. सो अगले 5 साल में, अगले 10 साल में मेरे को लगता है बहुत मेजर चेंजेस आने हैं, बहुत बिग चेंजेस. पिछले 20 साल में अगर जो आप जो चेंजेस देखो ना पिछले 10 साल में, वो इंटरनेट की वजह से हुआ है. बहुत बड़ा चेंज, ह्यूज चेंज, ह्यूज. आप खाली इमेजिन करो 10 साल के पहले की बातें और आज की बातें, चाहे कॉल्स की बात ले लो, चाहे ऐप्स की बात ले लो, चाहे ट्रांसपोर्ट की बात कर लो, चाहे किसी चीज़ की बात कर लो, 10 साल पहले और आज का कम, ह्यूज चेंज. और मुझे लगता है अभी नेक्स्ट 10 साल में क्रिप्टो बहुत ह्यूज चेंज लाने वाला है. बहुत सारे बिजनेसेस, फॉर एग्जांपल वीजा जैसी कंपनीज बहुत स्ट्रगल करने वाले हैं, और एट द सेम टाइम नए नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज भी उभर के आएंगे जो लोगों को पसंद आएंगे. सो वेरी एक्साइटेड, लेट मी नो अगर आप एक्साइटेड हो अगले 10 साल के लिए, अगले 10 साल. सो येस, आई थिंक दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू शेयर. फेडरल रिजर्व ऑलरेडी ये लोग फेड कॉइन लॉन्च कर रहे हैं, डिजिटल डॉलर ऑलरेडी ये लोग बात कर रहे हैं. तो आई थिंक यूएस आफ्टर चाइना, ओके, द डे चाइना लॉन्चेस अपना सीबीडीसी, ओके, चाइना ऑलरेडी बात कर रहा है, जैसे ही चाइनीज लॉन्च करेंगे यूएस डॉलर, आई थिंक विद इन 6 महीने या 1 ईयर में ये लोग डिजिटाइज कर देंगे, मुझे ऐसा लगता है. बट इनको रिस्क भी है एक्चुअली, इनको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो फिलहाल करेंसी है, जो जब सबसे बड़ा मनी है वो यूएस डॉलर है. तो बट यूएस डॉलर को ये सोचना भी पड़ेगा, ये 10 बार इनको सोचना पड़ेगा कि हम डिजिटाइज करें भी कि नहीं करें, या फिर इनको दोनों फॉर्मेट रखना पड़ेगा, जो फिएट है और डिजिटल दोनों रखना पड़ेगा. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि यूएस फेडरल रिजर्व क्या स्टेप लेता है सीबीडीसीज के चक्कर में. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ये ऐसा सेंट्रल बैंक है जो ऑलरेडी बहुत पावरफुल है आज की दुनिया में.
तो CBDC की तरफ ना भी जाएं तो भी खतरा है क्योंकि बाकी का सारे बैंक CBDC लॉन्च कर रहे हैं, और जाएं तो भी खतरा है क्योंकि अभी इनकी पावरफुल करेंसी, तो उसके बाद क्या होगा। तो आई मीन बहुत, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि लोग क्या डिसीजन लेते हैं। एनीवे गाइस, लेट्स सी चैट में क्या हो रहा है। मास अडॉप्शन टेक्स टाइम, एब्सोल्युटली मास अडॉप्शन टेक टाइम, मास अडॉप्शन टाइम लगता है, बट एक बार होता है ना तो बहुत सही होता है। Amazon देख लो ना, Amazon का शेयर्स का प्राइस क्या था वो टाइम पे, इंटरनेट कोई यूज भी नहीं करता था। आपको लगता है कि Amazon पे कोई बाइंग करता था? इंटरनेट चलता ही नहीं था वो टाइम पे, वायर लगाओ तो इतना स्लो इंटरनेट था कोई, बट Amazon ने गिव अप नहीं किया और अडॉप्शन हो गया Amazon का। आज वो शेयर की प्राइस देखो, खाली जिसने Amazon के प्राइस के शेयर्स खरीद के रखे थे ना, आज वो हो गया, उसका काम हो गया, उसको और किसी भी कंपनी के शेयर्स में डालने की जरूरत नहीं है। जिसने Amazon, Facebook इन सब के शेयर्स में बाय करके रखे थे ना वो टाइम पे, अभी उसको किसी भी शेयर से जरूरत नहीं है, एक अकेला कंपनी उनको लेके गया पार। ड्रीम चैनल, व्हाट्सअप व्हाट्सअप, आई एम गुड ड्रीम चैनल, हाउ आर यू। डू यू थिंक वी नीड मोर बिग कस्टोडियन सॉल्यूशंस प्रोवाइडिंग कंपनीज लाइक बैक विपुल? डू यू थिंक यू नीड और यू डोंट नीड? यू नो व्हाट, इट्स गोना कम, आएगा ही आएगा, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। इट्स जस्ट नेचुरल, ओके। जो एक्सचेंजेस है ना फिलहाल, आप इंडिया की बात कर लो, चलो इंडिया में कितने एक्सचेंजेस है, 3 से 4 एक्सचेंजेस हैं। टाइम के साथ और ज़्यादा एक्सचेंजेस आएंगे ही आएंगे, तो इनफैक्ट अभी जो एक्सचेंजेस आ रहे हैं उनको फ़ायदा है क्योंकि ये मार्केट, ये इंडस्ट्री बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये आप कस्टोडियन सर्विसेज की बात कर रहे हो, ह्यूज कस्टोडियन सर्विसेज, आई मीन ये तो शुरुआत है, ये तो खाली गिन चुन के हैं, ये बहुत सारे कस्टोडियन सर्विसेज आएंगे ही बाय डिफॉल्ट, बिकॉज मार्केट बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है लोगों। यार हेज फंड मैनेजर अभी सीधे सीधे क्रिप्टोज में इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं, लोगों को दिखने लगा है कि बॉस 10 साल में बिटकॉइन इतना अच्छा परफॉर्म कर सकता है तो मेरे को इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं किया जाना चाहिए क्रिप्टो में। तो अभी जो इन्वेस्टर्स हैं वो खुद डिमांड करने लगे हैं कि अब क्या वेट कर रहे हो बिटकॉइन का भाई, अब किस चीज़ का वेट कर रहे हो, अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो आप कब करोगे? 10 साल हो गए, रेगुलेटर्स का क्लियरिटी भी मिल गया, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो अभी? तो अब क्या डाउट है आपको? चलो पहले बिटकॉइन में बहुत डाउट था, अब क्या डाउट है? सो आई थिंक, और सेम इज इथेरियम, इथेरियम फ्यूचर्स लॉन्च होने वाला है, सो आई थिंक अब वो टाइम आ गया है कि ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो एक्सचेंज भी बहुत सारे आएंगे, कस्टोडियन यू नो सर्विसेज भी बहुत सारे आएंगे, एवरीथिंग विल ग्रो। आई जस्ट हेट व्हेन द कमिंग सीबीडीसी यूजिंग टेक लाइक ब्लॉकचेन बट दे नेवर एक्सेप्ट दैट। यस दीपक, सी नाउ द थिंग इज कि उन लोग भी सीबीडीसी लाएंगे ना, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग। देखो सेंट्रल बैंक अगर सीबीडीसी ला रहा है ना तो उसमें कोई बुरा नहीं है, क्योंकि देखो बहुत सारे कंपनीज की भी टोकन्स हैं, करेक्ट? सो यू नो आई थिंक इट्स गुड कि उनको लाना चाहिए सीबीडीसीज, राइट? क्योंकि उससे क्या होगा कि पूरा ओवरऑल अडॉप्शन भी हो रहा है जब डिजिटल हो जाएगा ना, क्योंकि सब कुछ डिजिटल हो रहा है, तो अच्छी बात है मेरे हिसाब से। सीबीडीसी खतरा नहीं है, बट यस, तो फॉर एग्जाम्पल टू आंसर योर कॉमेंट, सो जो गवर्नमेंट फॉर एग्जाम्पल US डॉलर ला रहा है, राइट? US डॉलर, चाइना का नहीं करते हैं, US डॉलर का करते हैं, तो उन लोग बिटकॉइन भी मान रहे हैं, इथेरियम भी मान रहे हैं, उनको उन्होंने पहले ही बोल दिया कि हमको डिजिटल एसेट्स में भी ग्रो करना है और डिजिटल डॉलर तो आएगा ही आएगा, तो दोनों एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो अच्छी चीज़ है। मैं बोल रहा हूँ सीबीडीसी लॉन्च करो, बट एट द सेम टाइम जो बिटकॉइन और इथेरियम है उसकी यूटिलिटी वहीं पर रहने दो, उसको भी रिकग्नाइज किया जाना चाहिए। और बाय द वे जो रीसेंट नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर ब्लॉकचेन बना है, जो इंडिया के लिए बना है, उसमें इन्होंने क्लियरली डिफाइन किया है कि बिटकॉइन क्या है, इथेरियम क्या है और सीबीडीसीज का क्या रोल प्ले कर सकते हैं। तो सबका रोल अलग अलग है, सब एग्जिस्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बिटकॉइन और इथेरियम है और क्रिप्टो है तो सीबीडीसीज नहीं होना चाहिए, नहीं, वो भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और ये भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, सबका अपना अपना रोल है। डीफाई इज अ थ्रेट टू फेड USA, आई मीन क्रिप्टो इज अ थ्रेट टू बी ऑनेस्ट। बाइनेंस एक्सचेंज में वीजा से बिटकॉइन बाय हो सकती है कि नहीं? यार आई थिंक बाइनेंस में लोग करते हैं, बट आप
आपका बैंक का भी रिस्क रहता है कि आपका बैंक अलाउ करेगा कि नहीं करेगा, अगर उनको मालूम पड़ रहा है कि आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो वो सब आप देख लेना. नितिन क्या है ना कि ऐसा नहीं है कि टाइम के साथ सब कुछ चेंज होता है यार. आई मीन टाइम को कोई फाइट नहीं कर सकता. इट इज जस्ट द नेचर, यू नो. अगर आप देख लो, जैसे मैंने बता रहा था कि 10 साल पहले बहुत सारी कंपनीज थी जो रूल करती थी, बट अब नहीं है. तो टाइम के साथ सब, आप पोस्ट ऑफिसेज देख लो, पोस्ट ऑफिसेज में कौन जाता है, सब लोग ईमेल्स करते हैं, मैसेज करते हैं. तो यस, आप सही कर रहे हो. अब टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी तो बढ़नी है, और जो पुरानी चीज़ें वो तो आउट ऑफ बिजनेस जानी है. अपोलो नाम नहीं सुना यार आज. व्हाट इज अपोलो? यस एब्सोल्युटली आप बिल्कुल, मैंने बता दिया आपको मैंने मेरा ओपिनियन. आई यूज टू बाय मोस्ट ब्लैंक सीडीज टू रिकॉर्ड MP3. एब्सोल्युटली, जस्ट फॉर 10 rupees. यस, सबसे सस्ता सीडीज वही था. हाई ड्रीम चैनल, वाओ हाउ यू राइट नाउ इन क्रिप्टो ओवरऑल ऑल्स बुलिस. Thanks for your reply. I wanted to know what will be the overall entire crypto as well as non-crypto community. Okay, guys, I mean, seriously, आपके जो questions हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. आपके जो discussions हैं, आपके जो opinions हैं, I like them. Very, very nice. Very smart discussion. CoinDCX के बारे में बताएं, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था आई गेस पहले. तो CoinDCX एक एक्सचेंज है जहां से आप बिटकॉइन बाइंग सेलिंग कर सकते हो. BTC ऑन द वे टू मून. सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आपसे के हिसाब से समय BTC लेना सही है? आप अपने हिसाब से बताएं. मैं सो अमरीश, देखो ये डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रेटजी क्या है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैसा है. तो मेरे हिसाब से तो आई मीन इट गुड प्राइस, अच्छी प्राइस है. बट यू नो मुझे लगता है कि एक रिवर्सल भी होगा, देखने को मिलेगा हमको. तो यू नो अगर आप छोटी बाइंग कर रहे हो, स्मॉल पोर्शन ले रहे हो, तो आई मीन नॉट बैड, ऐसा मैं कहना चाहूँगा. सो और कभी भी एक ही प्राइस पे बाय नहीं करना चाहिए, हमेशा अलग अलग प्राइस पे बाय करना चाहिए, बुल मार्केट बेयर मार्केट. सो हिसाब से बट आई थिंक दिस इज ऑल्सो गुड प्राइस, बट करेक्शंस भी हो सकते हैं. तो इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट, आप मैनेजमेंट कैसे करो, क्योंकि किस कोई एक आंसर नहीं है कि ये सही है क्या. नहीं, इट्स नॉट लाइक ब्लैक एंड वाइट, कुछ भी हो सकता है, गिर भी सकता है. सो वो मैनेजमेंट करने आना चाहिए. देखो रिस्क तो हर एक चीज़ में है, रिस्क तो ट्रेडिंग में भी होता है. तो जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो रिस्क को मैनेज करते हैं. सो रिस्क को मैनेज करना है, रिस्क तो है ही और प्रॉफिट भी है. सो प्रॉफिट भी मैनेज करना है, रिस्क भी मैनेज करना है. सो इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट. एंड हाउ डू यू मैनेजमेंट, बाय डूइंग अ स्मॉल पोर्शन. आप पोर्शन हमेशा छोटा रखते हो, उस हिसाब से आप मैनेज करते हो. सॉरी, यस जेपी इज कमिंग बैक. सो यस आई मीन काफी लोग, मैंने ट्वीट देखा और lot of people are not happy. So mess. BTC is again end of May. End of May. कौन देना चाहता है टारगेट? सोमेश चौहान को कौन टारगेट देना चाहता है मे? Who wants to give? Please अपने ओपिनियन बताइए गाइस. आप लोग को क्या लगता है कि मे में हालविंग है, मे में हालविंग है, तो आपको क्या लगता है कि yes, quotes is equal to tech is equal to money. Absolutely. जो banks थे, now the tech company will become banks, the tech company will become financial companies. यार विशाल, बहुत सारी वीडियोज हैं यार. आई थिंक क्रिप्टो इंडिया ने भी वीडियो बनाई थी कि कैसे IEO में पार्टिसिपेट करना है, और मैंने भी एक लॉटरी सिस्टम करके, उसका टाइटल है लॉटरी, बाइनेंस लॉटरी. तो मैंने भी वीडियो बनाई है, क्रिप्टो इंडिया ने भी बनाई है, तो आप दोनों भी देख सकते हो. और बट उसमें कुछ चेंजेस भी हुए होंगे, क्योंकि वो वीडियो बहुत पुरानी हुई थी. बट टू बी ऑनेस्ट, वेरी सिंपल है. आपके पास BNB टोकन्स होने चाहिए, और यू नो आपके पास BNB टोकन्स है, और आपने 30 दिन का अगर मेंटेन किया है एवरेज, तो आप लॉटरी में पार्टिसिपेट कर सकते हो. बट ऑफकोर्स बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो उनके पेज पे वो लोग लिखते रहते हैं. यस
ओके एनीवे गाइस थैंक यू सो मच. आई होप दिस वाज आई रियली एंजॉयड मुझे काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों से बात करके और आपके स्मार्ट सीरियसली आई लाइक दिस कॉन्वर्जेशन यार सुपर कॉन्वर्जेशन. डीफाई की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, मार्केट की बात कर रहे हैं, सीबीडीसीज की बात कर रहे हैं, सेंटिमेंट्स की बात कर रहे हैं. सीरियसली वेरी नाइस. कोड मनी बैंक फाइनेंस की बात कर रहे हैं चैट में. सीरियसली बहुत अच्छा चैट है ये. आई रियली लाइक इट. थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर इनपुट्स. Crypto lovers, the developers, programmers are the ones who have made crypto DeFi because of which we are chatting, investing, learning. Absolutely. All right. Thank you so much. Please have a nice night and I will see you guys tomorrow. Please take care. Good night. Like the Badina, please. Thank you. Bye-bye.